अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द की धुली हुई दाल। उसके लिए हमने ये 1 कप उड़द की धुली हुई दाल ली है। इसको अच्छे से धो लिया है। उसमें डाल रहे हैं हम 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 ही चम्मच गरम मसाला है और 1 चम्मच नमक है। और ये 1 प्याज थोड़ी सी ये हम बॉयल में डाल रहे हैं। ये हमेशा हम दाल बनाते हैं तो 1 कच्ची प्याज हम साथ में ज़रूर डालते हैं। और बघार के लिए हमने लिया है ये 1 पुट्ठी लहसुन की है, उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 1 चम्मच जीरा है, 1/2 चम्मच ये हींग है और 4 से 5 ये लाल मिर्च है। दाल को हमने बॉयल कर लिया अच्छे से। देखिए बिल्कुल हमारी बहुत अच्छी सी दाल। कुछ लोग थोड़ी खड़ी खाते हैं पर हमारे घर में थोड़ी सी इस तरीके खाते हैं, थोड़ी गली हुई खाते हैं। तो हमने इसको बॉयल कर लिया था सारे मसाले डाल के। अब इसमें हम बघार लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। हमने बघार के लिए देखिए तेल गर्म कर लिया है। ये हमने 2 चम्मच तेल लिया है, 2 चाय का चम्मच। अब इसमें हम डाल रहे हैं सबसे पहले लहसुन। साथ में इसमें जीरा डाल रहे हैं और हींग भी इसमें साथ में डाल रहे हैं ताकि हींग भी अच्छे से भुन जाए। देखिए बघार हमारा अच्छे से लहसुन लाल हो गए हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं ये लाल मिर्च, इसको भी थोड़ी देर भूनते हैं। अब देखिए हमारा बघार भी तैयार हो गया है। अब इसमें हम बघार लगा रहे हैं, इसको थोड़ी देर के लिए ढक दे रहे हैं। देखिए हमारी दाल बनके तैयार हो गई है और इसमें हमने धनिए से इसको हरे धनिए से गार्निश कर दिया है। ये बहुत ही झटपट बनने वाली आसान सी दाल है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करके बताएं कि आपने बनाई दाल तो वो कैसी बनी आपकी। अल्लाह हाफिज़।